हाँ जी, तो आज हम लेक्चर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास प्लस टू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमर। एक इजी सा चैप्टर है, इसमें से आपको आसानी से जेई में क्वेश्चन मिल जाएगा। तकरीबन तक 99% चांस रहते हैं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लो, चैप्टर बहुत ईजी है, आपका फ़ायदा हो जाएगा इससे। ईजी पॉलीमर क्या है जी? पॉलीमर वर्ड ही बताता है, क्या बोलते हैं कि इसके दो पार्ट बने। देखो इसको पॉलीमर को डिवाइड कर दो, पॉली और मर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स मैनी पार्ट्स, ठीक है जी। मैनी पार्ट्स मतलब ऐसी चीज़ जो जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। बट एक बात ध्यान आपने ये रखनी है कि पॉलीमर के अंदर जिस पार्ट से वो बना है वो बार बार रिपीट होगा। आई रिपीट अगेन कि पॉलीमर जिस चीज़ से बना है वो चीज़ बार बार रिपीट होगी। तो पॉलीमर बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही आपने अपनी ज़िंदगी में सुने हुए हैं प्रोटीन, सुने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए, आरएनए सुने हुए हैं, स्टार्च सुना हुआ है, सेलुलोज सुना हुआ है, वो भी बहुत बड़े होते हैं। क्या हम उनको पॉलीमर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि तो रिक्वायरमेंट क्या है पॉलीमर होने के लिए, कि जिस चीज़ से वो चीज़ बनी है वो चीज़ बार बार रिपीट होनी चाहिए। यानी कि सबसे छोटा पार्ट जो उस पॉलीमर का है, उस चीज़ का, वो बार बार रिपीट होकर पूरा का पूरा वो मॉलिक्यूल बनाने। जैसे कि आपका कमरा एग्जांपल ले लो, कमरा आपका ईंटों से बना है और सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? ईंट होगी, वो ईंट ही बार बार रिपीट होकर पूरा कमरा बना देती है। तो आप ईंट को एक हिसाब से पॉलीमर बोल सकते, कमरे को एक हिसाब से पॉलीमर बोल सकते हो, और ईंट को ईंट जो जिससे वो रिपीट होकर बन रहा है उस वो सबसे छोटा पार्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमर। बट आपके प्रोटीन्स और क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, वो जिन चीज़ों से बने होते हैं वो रिपीट नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि रिपीट ना हो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है क्या, कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स, ठीक है जी। मोनोमर क्या होता है? जिससे पॉलीमर बना होता है, जो सबसे छोटा पार्ट। और पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मोनोमर से क्या बना देना? पॉलीमर बना देना, दैट इज पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन करने के दो तरीके हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन में क्या होगा, जो आपके मोनोमर होंगे उनमें आप देखोगे एल्कीन्स ही होंगे या डाइन्स होंगे, बिकॉज आपको पता है एल्कीन्स और एल्कीन्स एल्काइन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देते हैं। तो एडिशन कराना चाहते हो तो हमारे पास जो मोनोमर होंगे हमने क्या ध्यान रखना है? अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया क्या कि एल्कीन्स के मोनोमर जो होंगे उनके अंदर हम क्या करा सकते होंगे, वो हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे कौन सा मेथड चलता होगा पॉलीमराइजेशन का? एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे पॉलीथीन, उसका मोनोमर क्या होगा? इथीन। पॉली मतलब मैनी, व्हाट मैनी व्हाट, इथीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपकी रिएक्शन होती है दो मोनोमर्स के बीच में, मोनोमर्स के बीच में रिएक्शन होती है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपके मोनोमर्स होते हैं ना उनके दोनों एंड पे फंक्शन ग्रुप लगा होना चाहिए। जैसे आपका ये नाइलॉन 6-6 है, इसके एक एक इसके दो मोनोमर्स हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमिन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डायमिन देखो, एक एन एच टू ये लगा, एक एन एच टू ये लगा। एडिपिक एसिड देख लो, एक सी ओ एच ये लगा, एक सी ओ एच ये लगा। अब ये जब अमीन और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं आपको पता है कौन सा क्या निकलता है? वाटर निकलता है, एच ओ एच निकल जाएगा, एच यहाँ से आ जाएगा, ओ एच यहाँ से आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्या बॉन्ड बन जाएगा? अमाइड बॉन्ड बन जाएगा। इससे नाइलॉन को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पॉलीएमाइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलीएमाइड्स। और नाइलॉन का नाम नाइलॉन ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी डिस्कवरी एक ही टाइम पे न्यूयॉर्क में भी हुई थी। एन वाई स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड एल ओ एन स्टैंड फॉर लंडन। 6-6 का मतलब क्या है सर? यहाँ पर 6-6 का मतलब है कि भाई साहब जो उसके मोनोमर्स हैं उनके अंदर दोनों के अंदर 6-6 कार्बन। देखो हेक्सामिथाइलिन डायमीन के अंदर क्या है? 6 कार्बन। एडिपिक एसिड के अंदर कितने कार्बन? 4 ये हो गया, 5वां ये और ये 6, इसका मतलब 6-6 कार्बन है इसके मोनोमर्स के अंदर। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो मोनोमर्स होंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए, उसके वो उसके मोनोमर्स के अंदर दोनों साइड पे फंक्शन ग्रुप लगा होना चाहिए, बाई फंक्शन होना चाहिए, दो फंक्शन ग्रुप होने चाहिए कम से कम। एक फंक्शन ग्रुप से काम नहीं चलेगा, दोनों ही मोनोमर्स उसके अंदर या एक ही मोनोमर है तो उसके दोनों एंड पे बाई दोनों साइड पे एंड पे फंक्शन ग्रुप लगा होना चाहिए। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, मोनोमर मस्ट बी बाई फंक्शन और ट्राई फंक्शन। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन है, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं हम। अब बनाने का तरीका क्या था? हम पॉलीमर्स जो हमारे पास ज़िंदगी में मिलेंगे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके अंदर? ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि वो बनते कैसे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन अभी किया है कि सबसे पहला हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ लेते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा वो सिंपली मोनोमर्स के आपस में ऐड होने से बन जाएगा, यानी कि इथीन दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो गया, इथीन इथीन के अंदर ऐड होता है, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। ऐसे टेट्राफ्लोरोइथीन जब आप ऐसे अपने जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ऐड होता जाएगा तो आपके पास टेफ्लॉन बन जाएगा, इसको पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन भी बोलते हैं। टेफ्लॉन का दूसरा नाम पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं है। और ऐसे ही आपका एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स में ऐड होता जाएगा,
ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने एक्राइलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन के दो रिएक्शन लिखे हैं कि एसिटाइलिन में आपने HCN ऐड कर दिया, एक्राइलोनाइट्राइल बन गया, प्रोपीन की ट्रीटमेंट कर दी अमोनिया के साथ बाय द वे ऑक्सीजन, तो इन ऑक्साइड्स ऑफ मॉलिनम कोबाल्ट और एल्युमिनियम, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे दिक्कत आती होगी सर कि हाँ हम इतने स्ट्रक्चर्स जो है याद कैसे करेंगे, सारे ही जितने भी आपके जो होमोपॉलीमर्स हैं वो इथीन के ही डेरिवेटिव्स हैं। देखो यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे दो एच एच लगे हुए हैं, यहाँ पे टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोथीन में क्या है, चारों एच उतार के क्या लगा दें, चारों फ्लोरिन लगा दें, बस दैट्स इट। यहाँ पे डबल था, डबल बॉन्ड था, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो, ऐसे ऐसे लाइन खींच दो एंड में। ऐसे एक्राइलोनाइट्राइल में क्या है जी भाई साहब, आपका इथीन में एक एच उतार के सी एन लगा दो तो आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है जी। ओके जैसे पॉलीस्टायरीन के अंदर क्या होगा, इथीन में से एक एच उतार, उसका मोनोमर क्या होगा, स्टायरीन, वहाँ पे इथीन में से एक एच उतार क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, वैसे सेम स्ट्रक्चर। ऐसे पॉलीप्रोपीन के अंदर प्रोपीन हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन भी बोल सकते हैं। ऐसे पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर क्या होगा, इथीन में से एक एच उतार के सी एल लगा दिया, विनाइल क्लोराइड बन गया, आगे वैसे ही है, रिपीट कर दो। पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट, इसका नाम याद करने का तरीका क्या है भाई, एक्राइलेट मतलब एस्टर ग्रुप लगा, एट मतलब एस्टर ग्रुप, देखो एस्टर ग्रुप लग गया। अब मिथाइल मतलब आपको पता है एस्टर की नेमिंग का रूल क्या है, जो जो ग्रुप ऑक्सीजन पे लगा उसका नाम सबसे पहले मिथाइल लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। अब इथीन में से एक कार्बन पे, उसी कार्बन जहाँ पे एस्टर ग्रुप लगाया था उसी कार्बन पे क्या लगा दो, दूसरा मिथ लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो आपका ये बन गया स्ट्रक्चर मिथाइल मिथाइक्राइलेट। इसकी पॉलीमेशन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई साहब, पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट। ठीक है। ऐसे ही आपका जो नेचुरल रबर है उसका जो मोनोमर क्या होता है जी, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है जी, आइसोप्रीन। ठीक है। इसका अगर आईयूपीएसी नेम करने जाओगे 1, 2, 3, 4 टू मिथाइल ब्यूट 1, 3 डाइन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब देखो ये जो अब ऐड होगा अपने जैसे ब्यूटाडाइन अपने जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ऐड होता जाएगा। अब दो तरीके हो सकते हैं, देखो जब वो ऐड होगा या तो आपका वो एडिशन सिस एडिशन हो जाए या ट्रांस एडिशन हो जाए। ठीक है जी। जब वो सिस फैशन में ऐड होंगे वो नेचुरल रबर होती है, सिस पॉली आइसोप्रीन इस नेचुरल रबर। अगर वो ट्रांस फैशन में लग रहे हैं तो आप क्या बन जाएगा, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर या गट्टा पर्चा। याद रखना सिंथेटिक रबर गट्टा पर्चा का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पॉली मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। सिस नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। बट यहाँ पे जो आप देखो एल्कीन्स के जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे जो नेचुरल रबर होगी वहाँ पे सिस कन्फिग्रेशन है। ये देखो ये बड़ा ये आपका बड़ा ग्रुप हो गया, ये आपका छोटा ग्रुप हो गया, इधर ये पीछे चेन चल रही है ना, यहाँ पे ये छोटा हो गया देखो आप, और ये बड़ा इधर। ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ये बड़े बड़े सेम साइड पे आ गए तो क्या हो गया, सिस कन्फिग्रेशन हो गई। ऐसे देखो ये बड़ा ग्रुप इधर हो गया, ये सी एच ए के मुकाबले CH2 बड़ा है ना, तो आप यहाँ पे देखो ये H और ये CH2, ये बड़ा सेम साइड पे, बट यहाँ पे देखो नीचे में CH2 इधर आ गया। ठीक है। बड़ा इधर की तरफ है, तो इधर इस कार्बन पे बड़ा किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो जैसे ट्रांस कन्फिग्रेशन। ठीक है। बस यही फर्क होता है ट्रांस पॉली आइसो सिंथेटिक रबर गट्टा पर्चा में और नेचुरल रबर सिस पॉली आइसोप्रीन में, क्या कि वहाँ पे सिस कन्फिग्रेशन होती है नेचुरल रबर में और जो आपकी गट्टा पर्चा है उसमें ट्रांस कन्फिग्रेशन। ये एक बहुत बड़ा MCQ, बहुत छोटा सा आसान सा MCQ है, आप इसको याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। ठीक है। और इसके बाद अभी तक तो हमने जितने भी पॉलीमर्स देखे वो हमने देखे होमोपॉलीमर्स जो एक ही मोनोमर से बने होते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। जरूरी है कि सर हमेशा का ऐसा ही होगा कि हमारे पास सिर्फ सिंगल ही मोनोमर होगा जो कि सारा पॉलीमर बना देगा? नो। एडिशन पॉलीमर के अंदर क्या हो सकते हैं, को पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। को पॉलीमर मतलब जिनके अंदर एक से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट होंगे। ठीक है जी। एक से ज़्यादा पार्ट्स होंगे जो कि बार बार रिपीट होकर बनाएंगे, जैसे आपका जो ब्यूनाइस रबर है। ठीक है जी। इसको SBR भी बोलते हैं। इसके अंदर दो मोनोमर्स है, एक आपका ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरा कौन सा है, स्टायरीन। ठीक है जी। इसके नाम से पता लग जाता है इसके मोनोमर क्या है। देखो ब्यूनाइस BU स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, S स्टैंड फॉर स्टायरीन एंड NaH स्टैंड फॉर सोडियम विच इज हेल्पफुल इन कैरिंग आउट दिस रिएक्शन। ठीक है। अब यही है, ये डबल आगे ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो होगा आप नोट करना इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन ये यहाँ पे ये CH2 पे अटैक करेगा, CH2 के साथ जुड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना CH उस कार्बन पे नहीं जाता जहाँ पे फिनाइल रिंग लगा है, दूसरे कार्बन पे जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिकल बनना होता है जो यहाँ पे स्टेबल बनेगा। अभी आगे जाके वो मैंने लास्ट स्लाइड पे क्वेश्चन डाला हुआ है, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना जरूर। इट इज़ वेरी नेसेसरी। हेड टू टेल फैशन में एडिशन होती है, ये एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे। ये JEE में भी क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इसके बाद ब्यूना एन रबर, आपने ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल ले लेना, और उसको भी देखो CH2 को किससे जोड़ना है, CH2 के साथ जोड़ना, बस ये ध्यान रखना जो बीच वाला डबल सिंगल बॉन्ड है वो डबल कर देना, बाकी दैट इज इट, लाइन खींच दो, सिंपल सी बात, ब्यूना एन और ब्यूना एस बन जाएगा। और जो आपके इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, आप इसको सेव करो लेक्चर को, और आप यहाँ से यूजेस पढ़ सकते हो, वैसे आपकी थ्योरी बुक में दी हुई है, इतना यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाला काम नहीं है, ठीक है, इजी सर। आगे अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होएगा भाई साहब, उसका मैकेनिज्म अगर हम डिटेल में जाएं, वो तीन तरीकों से हो सकती है, वन इज योर बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, अदर इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से आपके पास बनेगा लो डेंसिटी पॉलीमर, और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से आपके पास बनेगा हाई डेंसिटी पॉलीमर। जैसे कि अगर आपने लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाना तो आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करो, अगर आपने हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन करो। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और स्पेलिंग शायद इसका देख लेना यार, जिगलर नाटा आई गेस इट इज समथिंग फिशी। एंड जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड हो सकता है या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों में से एक भी चीज़ हो सकती है, प्लस साथ में ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमेशा ट्राई अल्काइल ही होगा, टेट्रा नहीं होगा, ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम, और साथ में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड ले लो, ये आपका क्या बन जाएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बन जाएगा, ठीक है जी। और इससे जो आपके पास पॉलीमर बनेंगे वो हाई डेंसिटी पॉलीमर बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन आ जाए, MCQ आ जाए कि कोऑर्डिनेशन, अगर आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना तो आपने कौन सा करोगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो मैंने आपको बता दी आप, ठीक है। हम आज जो हमारे पास डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जनरली आपने पढ़ा हुआ है, आपको कोलकेन्स की रिएक्शन याद होगी, वो उसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन की कंडीशन क्या है, या आप हीट डाल दो, बहुत ज़्यादा हीट डाल दो, बहुत बहुत हीट कर दो, बहुत लाइट फेंक दो, आप परोक्साइड डाल दो, यहाँ देखो वही, यहाँ पर भी कंडीशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, परोक्साइड डाल दो या आप क्या डाल दो जी, पर जो कि फ्री रेडिकल जनरेट करने में हेल्पफुल होंगे, या टेम्परेचर हाई कर दो और प्रेशर हाई कर दो, ठीक है जी। और इस रिएक्शन से, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से आपके पास क्या बनेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और मैंने एक्चुअली पॉलीथीन की फॉर्मेशन ही दिखाई है नीचे इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है जी। आपको पता है कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर तीन स्टेप्स होते हैं, वन चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन, ठीक है जी। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, पहले इनिशियल जो आपका परोक्साइड होगा, ये परोक्साइड है, परोक्साइड एनहाइड्रेट में एक ऑक्सीजन लगा दो बीच में, आप एनहाइड्रेट से क्या बना सकते हैं, परोक्साइड बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब परोक्साइड ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, दोनों तरफ ग्रुप क्या लगे हुए, सेम लगे हुए, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। ये आपका पहले आपका क्या बोलते हैं, आपका फ्री रेडिकल बना, कार्बोक्सिलेट टाइप आप बोल सकते, लेट नहीं बोल सकते, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बन गया, तो यहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर दिया और आपके पास अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया। अभी अल्काइल फ्री रेडिकल है आपके इथीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, इथीन का मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जिस जहाँ मर्जी जोड़ दो, आर एक यहाँ पे ये किसी भी एक कार्बन पे जुड़ गया और वो अगला रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अभी ये जो न्यू रेडिकल है आगे अटैक करेगा, ये चेन प्रोपेगेशन चलती जाएगी जब तक आपका जितना लंबा आपने पॉलीमर बनाना है वो बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन कैसे हो सकती है, दो तरीकों से हो सकती है, या क्या एक कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर, अगले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, इसी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसी मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा ही एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को एच दे देगा, अगली साइड वो आ रहा है, ठीक है जी। अब मैंने आपको एक बात, आपको पता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन अच्छी नहीं होती, क्यों अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है रेडिकल रिएक्शन कहीं भी जा सकता है। ये देखो रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, आ गई थी जो है एंड पे रिएक्ट करने के बाद बीच में रिएक्ट करना शुरू हो गया और यहाँ पे ब्रांचिंग बन गई। अब जब ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, ब्रांचिंग से क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके जो चेन्स बनी है पॉलीमर की वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगी, क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगी। अगर क्लोजली पैक नहीं होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी कम, तो इसलिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर बनता है, लो डेंसिटी। अगर पॉलीथीन बना रहे हो तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, किससे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से, क्योंकि उससे ब्रांचिंग भी आ जाती है, क्योंकि रेडिकल रिएक्शन कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है जी। और मैंने जैसे बोला था चेन टर्मिनेशन, जो आपका रेडिकल रिएक्शन है वो दो तरीकों से टर्मिनेट हो सकता है, वन इज बाय रेडिकल कॉम्बिनेशन, देखो वही रेडिकल, एक रेडिकल वो उसके जैसे सिमिलर रेडिकल आपस में कंबाइन कर गया, ये देखो यहाँ से इस CH2 इस CH2 के बीच में बॉन्ड बना दो, ये बन गया, से ये हो गया एक मैथड चेन टर्मिनेट करने का। दूसरा मैथड क्या है, एक वही रेडिकल दोबारा से ले लिया, देखो
जहाँ पे आपने रेडिकल कार्बन रेडिकल लिखा हो, जिस कार्बन पे रेडिकल लिखा है उसके साथ वाले बीटा कार्बन से, सॉरी अल्फा कार्बन से, वहाँ से एच उखाड़ना है, समझ लगी? वहाँ से एच उखड़ेगा और आपके दूसरे रेडिकल के वहाँ जहाँ पे रेडिकल कार्बन था वहाँ पे एच चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो एक आपके पास एल्कीन बन जाएगी और दूसरा आपका अल्केन बन जाएगा। दिस इज मेथड ऑफ चेन टर्मिनेशन वाया डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि उसी चीज़ की ऑक्सीडेशन हुई। इस ये क्या हो गया, इसमें से एच उखड़ गया तो इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, जो अल्कीन बनी है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बनी है और जो अल्केन बना है वो रिडक्शन के थ्रू बना है, ठीक है जी? ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद अगली बात मैंने बोला था क्या, जब भी आप रेडिकल एडिशन करोगे तो वो क्या होएगा, हेड टू टेल फैशन में होगी। देखो फॉर एग्जांपल आप स्टायरीन बना रहे थे, स्टायरीन में क्या हो, यहाँ पर रेडिकल आया, दूसरा स्टायरीन मॉलिक्यूल है, अब उसके पास दो चॉइस हैं, या तो वो इस वाले कार्बन पर अटैक कर दे या तो वो क्या करे उसी कार्बन अटैक करे जहाँ फिनाइल रिंग लगी थी। ये दो तरीके हैं, हेड टू हेड फैशन और हेड टू टेल फैशन। अब देखो जब वो यहाँ पर रिएक्शन करें, इस ये कार्बन जहाँ पर फिनाइल लगा है वो उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए जिस पर फिनाइल नहीं लगा, तो क्या होगा रेडिकल कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन में जहाँ फिनाइल रिंग है, तो यहाँ पर कौन सा रेडिकल बने, दिस इज बेंजाइल रेडिकल। जबकि उल्टा करो, अगर आपका ये वाला रेडिकल उसी कार्बन पर अटैक कर दे जहाँ पे फिनाइल रिंग लगी है, तो आपका रेडिकल क्या बनता है, प्राइमरी रेडिकल। अब आप मेरे को एक बात बताओ कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, बेंजाइल या प्राइमरी? आपको पता है बेंजाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो इट तो आपकी एडिशन किस फैशन में होगी, हेड टू टेल फैशन में होगी, ठीक है बच्चों? दिस इज इट, आज के लिए इतना ही, एक बार इसको रिवाइंड करके देख लो ये।